हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मालंचो ब्लॉग। मेरा और एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सबको ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग राधा किशन जी का मंदिर जा रहे हैं, आप लोगों को पूरा दर्शन कराऊंगी। यहाँ का नाम मैं बहुत बार सुनी हूँ लेकिन कभी भी आने का मौका नहीं मिला, तो आज मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। देखिए, हम लोग आकर पहुँच गए हैं राधा किशन जी का मंदिर में। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इस मंदिर में बहुत सारे मूर्ति है, राधा किशन जी का तो मूर्ति है, शिव जी का, दुर्गा माँ का, राम सीता का, बजरंग बली का, शिव जी का रुद्र मूर्ति भी यहाँ पे है। चलिए हम लोगों के साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इस मंदिर में किशन जी जब जब धरती में विराजमान हुए हैं, जिस जिस रूप में जन्म लिए हैं, सबके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। और बहुत शांत महल है। यहाँ पे गाना जोर जोर से बज रहा था इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए जो पंडित जी बैठे हैं, इन्होंने हारमोनियम बजा के गाना गा रहे थे। तो हम लोग पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे राधा किशन जी का मूर्ति है, आप लोग देख लीजिए मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, कितना सुंदर है। और चारों तरफ शीशा लगा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किशन जी के जन्म के बारे में, उनका जितना सारा जन्म हुआ था सबका ही कुछ कुछ घटनाएं यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे रामायण से किशन राधा के जन्म जब हुआ था, तब श्री चैतन्य देव रूप में जब जन्म हुआ था, राम के रूप में जब जन्म हुआ था, मतलब सारे चीज जन्म के बारे में उनका दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे देखिए सीताराम जी की मूर्ति है। और यहाँ पे देखिए ये जो महाराज जी का, यहाँ का जो महाराज थे उनका ही यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए शिव जी का मूर्ति बना हुआ है, शिव जी का दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे बजरंग बली का मूर्ति बना हुआ है, बजरंग बली का दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे माँ दुर्गा का मूर्ति बना हुआ है। जगत जननी माँ दुर्गे, दुर्गोति नाशिनी माँ दुर्गे। यहाँ पे देखिए किशन जी के जन्म का हर एक जन्म का जो जो कुछ लीलाएं, कुछ घटनाएं यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे महाभारत से कुछ दिया है, राम सीता का जब लेके जन्म लिए थे उनका कुछ दिया हुआ है, श्री चैतन्य देव के रूप में जब जन्म लिया था। देखिए यहाँ पे जितना सारा है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये श्री चैतन्य देव के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे किशन जी का जब कंस वध हुआ था उसके वहाँ उस समय का कुछ दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, हम लोग खड़े होकर बहुत देर तक ये सब देखे हैं। यार यहाँ पे देखिए खिड़की में भी कितना सुंदर मूर्ति बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इतना अच्छा मैं इससे पहले कभी नहीं देखी हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा था और बहुत सारे जानकारी भी मिला। अब मैं आप लोगों के साथ शिव जी का रुद्र मूर्ति का दर्शन कराऊंगी। चलिए दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए श्री चैतन्य के रूप में जब जन्म लिए थे किशन जी, तब का ये मूर्ति बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए राम जी और लक्ष्मण जी का मूर्ति बना हुआ है, जब जटायु का पंख काट दिए थे रावण, तब का है। देखिए ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर शिव जी का बहुत सारे लीला, जैसे हिमालय पर्वत पर जो घटना घटी थी वो सब यहाँ पे बना हुआ था इसके अंदर। तो इतना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बंद भी था, मतलब कुछ काम चल रहा था इसके वजह से। तो यहाँ पे देखिए शिव जी का मूर्ति बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है।
थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मोबाइल के लाइट से जितना दिखाई दे रहा है उतना ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर बना हुआ था, हिमालय पर्वत का एक सीन है, जैसे यहाँ पे पार्वती माँ है, शिव जी है, इस तरह का मतलब कुछ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पे जब शिव जी का लड़ाई हो रहा था तो उस चीज़ का कुछ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए शिवलिंग भी बना हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ हिस्सों में रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसके वजह से लाइट भी बंद था और सारे जगह ढके हुए थे, और कुछ कुछ जगह में जाना भी मना था, इसके वजह से पूरा नहीं शेयर कर पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर कभी आने का मौका मिले तो तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।